हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत नंदी बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज 7 के लिए कैसे बनाता है ये वीडियो के दौरान आप देख सकते हैं। पहले आप 8 GB और उससे ज़्यादा पेन ड्राइव सीपीयू रनिंग सीपीयू में इंसर्ट कर दीजिए, और उसके बाद देखिए एक सॉफ्टवेयर है विंडोज 7 USB DVD टूल, इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। आपके पास है तो इंस्टॉल कर लीजिए, और ये देखिए डेस्कटॉप पे एक आइकॉन आ जाएगा इंस्टॉल हो जाने के बाद विंडोज 7 USB DVD टूल। इसको हम ओपन करके रन कर लेते हैं, और देखिए सोर्स फाइल मांग रहा है। ये सोर्स फाइल क्या है ये राइट साइड पे ब्राउज कर लेते हैं। ये सोर्स फाइल है इमेज ISO इमेज, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल है उसी को चुनना है। और मेरा पी ड्राइव पे है, मैं PC इंस्टॉलर और ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये देखिए विंडोज 7 ये मेरा ISO इमेज फाइल है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और देखिए USB डिवाइस और DVD, USB डिवाइस को हम चुनेंगे क्योंकि डिवाइस USB डिवाइस पे ही हमको बनाना है। और आपका पेन ड्राइव ठीक से शो नहीं कर रहा है ये देख सकते हैं, और राइट साइड में एक बार दिया हुआ है उससे आप उसको चुन सकते हैं, और उसके बाद बिगिन कॉपी पे आप कॉपिंग पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, और ये थोड़ी देर में बन जाएगा। देखिए मेरा तो 99% हो चुका है, और ये स्टार्ट ओवर ये सक्सेसफुल क्रिएटेड हो चुका है, ये बूटेबल USB डिवाइस क्रिएटेड सक्सेसफुल। और देख लेते हैं माई कंप्यूटर पे जाके, देखिए आइकन भी आ गया। हाँ, अब इसको हम इंसर्ट करके फॉर्मेट या इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।